नमस्कार दोस्तों, मुझे आज कहा गया कि प्रीनेटल विटामिन पर आप क्या बोलना चाहेंगी। टॉपिक सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो पहली बात आई वो ये आई कि मेरे घर में ना एक गमला है और उसमें मुझे एक बहुत सुंदर फूल वाला पौधा लगाने की इच्छा है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ जी। गमला मिट्टी का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का क्या मतलब हुआ कि उसमें नरिशमेंट पूरा होना चाहिए, मैंने खाद डाली कि नहीं, वो पोरस है कि नहीं, वो काली है कि नहीं। फिर जो मैं उसमें पौधा लगा रही हूँ वो कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसका कलर कैसा है। अब ये सब देखने के बाद तभी तो वो बड़ा होगा, मजबूत होगा और फूल देगा। क्या ऐसा ही कुछ प्रेगनेंसी में नहीं होता? अब आप इसको कंपेयर करें, एक लेडी है जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाली है, पूरा बेस है वो बच्चे का, नेक्स्ट जनरेशन का। हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्वस्थ हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू 100 हो, उसका ईक्यू 100 हो, लेकिन हमने उसे ज़मीन क्या दी? फिर इतनी आशाएं क्यों? और यदि हैं तो कॉन्सेप्शन के पहले आपने तैयारी क्या करी? जी करनी पड़ती है, और रैंडम नहीं। मैंने तो अच्छा खाना खा लिया, मैंने तो बी कॉम्प्लेक्स खा लिया, जी नहीं। यदि आप बात करती हैं कॉन्सेप्शन के पहले, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन इज फोलिक एसिड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेल डिवीजन में एज कोएंजाइम काम करता है, और यदि ये डिफिशेंसी आपके बॉडी में है तो ये आपकी फ्यूचर बेबी के स्ट्रक्चरल एनामली का एक कारण हो सकता है। इसे पहले से आप कंप्लीट करिए। प्लस विटामिन D3, आयरन, कैल्शियम, B12 जो आप रेंडमली लेते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, विटामिन्स हो या कोई भी मेडिकेशन हो, उसकी ओवरडोज भी साइड इफ़ेक्ट्स देती है और अंडरडोज भी साइड इफ़ेक्ट्स देती है। इनको आप एक नपे तुले डोजेज में, नपे तुले ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। और ये कैसे तय होता है? ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इनसे रिलेटेड टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाता है कि आपको कितने अनुपात की डेफिशिएंसी है, और उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आपको दी जाती है। इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, तो जो विटामिन्स आपको लेने हैं वो आपको डॉक्टर की सलाह से लेने हैं, उसी खुराक से लेने हैं। पहले 3 महीने के जो विटामिन्स हैं, देखिए 3 हिस्से हैं हमारे पास। एक, प्रेगनेंसी से पहले आपकी तैयारी, दूसरा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, और फिर 4th महीने से लेकर डिलीवरी तक। फोलिक एसिड प्लस कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 ये आप प्रेगनेंसी से पहले लेते हैं। फोलिक एसिड मैंडेटरी है, बाकी 3 एज पर योर रिपोर्ट्स। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको फोलिक एसिड, B12 प्लस विटामिन D3 इफ़ इट इज़ डेफिशिएंट इन द रिपोर्ट, देन एज पर रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। आयरन, कैल्शियम 3rd महीना ख़त्म होने के बाद ऐड किया जाता है, पहले 3 महीने में इन्हें सेफ नहीं माना जाता है। फिर डिलीवरी के बाद, ये मत समझिए कहानी ख़त्म हो गई, कहानी तो अभी चालू हुई है, क्योंकि आप फीड कराएंगी, आप पर जो लेबर का स्ट्रेस पड़ा, तो बाद में भी एक 3 महीने का एवरेज है जिसमें आयरन, कैल्शियम प्लस और कोई विटामिन यदि डेफिशिएंट है तो वो दिया जाता है। 3 महीने के बाद डॉक्टर असेस करके आपको बताएगा कि आपको और कोई विटामिन लेना है या नहीं। ये मैंने आपको बहुत मेन ग्रुप्स बताए हैं, बाकी बारीकियां आपके प्रेजेंटेशन पर, आपकी हिस्ट्री पर और आपके चेकअप पर डिपेंड करता है। ठान लीजिए प्रेगनेंसी से पहले अपनी तैयारी करें, ताकि अपने आने वाले भविष्य को आप एक स्वस्थ, मजबूत नींव दे सकें। थैंक यू।